सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से टकरा कर युवक की गई जान। सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं के कारण बढ़ रही है दुर्घटनाएं। वहीं सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं से टकराने के कारण जहां कई लोगों के हाथ व पैर टूट चुके हैं तो कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि कुछ इसी प्रकार की घटना कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रा बांध चौराहे से पहले घटी, जहां सड़क के बैठे आवारा पशुओं की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि मृतक युवक राकेश कुमार शुक्ला पुत्र राजकुमार शुक्ला निवासी डकरा त्योथर रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो कि बाइक से जैसे ही सड़क पर बैठे आवारा पशुओं के झुंड के पास पहुंचा कि अचानक ही एक गाय झटके से उठी और गाय का सींग युवक के सीने में घुस गया, जबकि घायल होने के बाद युवक अपनी बाइक को रोककर सड़क पर ही खड़ी करके वहीं पर लेट गए और फिर नहीं उठा। सूचना पर पहुंची कौंधियारा पुलिस के द्वारा युवक के बारे में जानकारी कर उनके परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अगर यूं ही सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगता रहा तो ना जाने कितने लोगों की इन आवारा पशुओं की चपेट में आने से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। कैसे हुआ है? जानवर खड़े थे, दो तीन जानवर खड़े थे और उस तरह से आ रहे थे, बाइक से थे और उनके सींग में इनके सीने में लगा और जो गाड़ी खड़ी किए, हेलमेट अपना गाड़ी में लगाए और जो है दर पर लेट गए और तब 12 चक्कर शरीर को डिसबैलेंस हुआ, खत्म हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हैं एमपी के रायपुर सुनौली ढकरा गांव के हैं। राकेश कुमार, पिता का नाम राजकुमार।